फैक्ट्री में आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में बोतले ही बोतले मौजूद थी और इसमें शायद ही कोई ऐसा ब्रांड हो जो पाकिस्तान में ना मिलता हो। ये सर सारी की सारी इनके इंजन ऑयल की जो है वो कॉपी बनती है और उस कॉपी के लिए जो सप्लाई की जाती है ये है वो बॉटल्स, वो सीलें, वो स्टिकर्स, वो कार्टन्स, वो ये सब चीज़ों का ये सर बहुत बड़ा सा एक गोदाम है। गोदाम नंबर तीसरा है ये हमने जो अभी तक पकड़ा है सर। ये सीलें हैं ऑयल की बॉटल पर लगने वाली। और ये बाकी तमाम ब्रांड्स के टेप्स हैं। ये वो सारे ब्रांड्स थे जिन्हें हम असली समझकर अपनी गाड़ियों में डालते हैं और फिर खुद ही परेशानी का सामना करते हैं। ये सर दूसरा गोदाम है, चार गलियों के बाद आए और इसके अंदर ये जाली ऑयल के तमाम ये एम्प्टीज ये बॉटल्स ही बॉटल्स हैं। ये जाली ऑयल का काम करने वालों के कफन में आखिरी नेल है सर। ये चीज़ इनकी थी जो अभी तक नहीं समझ में आई थी और ये आ गई है सर। ये इतना बड़ा टाउन है। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स मौजूद थीं जिन्हें उठाने के लिए बहुत ही हैवी क्रेन्स की जरूरत थी। पुलिस ने इस जगह से भी सामान को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। ये सर हैवी मशीनरी, ये हैवी मशीनरी सारी। ये बॉटल बनाते हैं सर, ये पूरे पूरे कार्टन और पूरे पूरे कैंस ये बनके इस मशीन से बाहर आ जाते हैं। जब हम थाने पहुंचे तो बल्दिया थाना ऊपर से लेकर नीचे तक इंजन ऑयल की बोतलों से भरा हुआ था। ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी। पुलिस ने जाली इंजन ऑयल माफिया को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया था। जी नाजीन, आपने अभी पहले रेड देखी थी जो हमने की थी जाली मोबिल ऑयल के हवाले से। फैसल भाई, उसके बाद आपकी क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई और ये हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में सामान आपने पकड़ा हुआ है और ऊपर भी आपकी छत भी भरी हुई है, कितना सामान पकड़ा गया? ये अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ी सक्सेस हुई है। जैसे मैंने उस दिन आपको ये बात ब्रीफ किया था कि इसके दो फेजेस हैं। एक फेज़ पे आपने दो दिन पहले रेड किया था भरते हुए और ये है पैकिंग मटेरियल। ये वो फैक्ट्री है जो तमाम किस्म का पैकिंग मटेरियल इंक्लूडिंग बॉटल्स, कार्टन्स, कार्टन सीलिंग टेप, सील्स, स्टिकर्स, ये तमाम चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं। ये इनकी बैकबोन है इस बिज़नेस की। ये फैक्ट्री अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको जो है वो अनर्थ कर दिया बिल्कुल, तो इनकी अभी कमर टूट गई। तो फैसल भाई, कितनी बॉटल्स अंदाजन, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो यहाँ तो अनकाउंटेबल है, छत भी आपकी पूरी भरी हुई है। हमने अराउंड 18,000 बॉटल्स मुख्तलिफ ब्रांड्स की रिकवर की हैं। 18,000 बॉटल्स, 120 प्लास्टिक दाने के कट्टे वेइंग अबाउट 25 से 30 किलो के, जिससे मोल्डिंग मशीन्स के प्लांट्स के ऊपर ये बनाई जाती हैं। 120 वो कट्टे तकरीबन 6 पता नहीं कितना वो मल्टीप्लाई कर लें उसको 120 से 30 किलो का कट्टा। 1000 बॉटल्स आप देख रहे हैं कि कितने बड़ी तादाद में ये काम हो रहा था। उसके अलावा कितना हमें लॉस तो हो रहा था हमारी गाड़ियों को भी हो रहा था, फिर उन इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ को कितना लॉस हो रहा होता है, इससे पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला पर कितना फ़र्क पड़ रहा होता है। 18,000 बोतलें, क्योंकि मैं अभी आया हूँ तो मुझे तो यहाँ पे पूरी भरा हुआ नज़र आ रहा है। और ज़ाहिर उस दिन क्योंकि हम वो रेट इस वजह से कंटिन्यू कर पाए थे क्योंकि ज़ाहिर कुछ टेक्निकल इशूज़ भी आते हैं और कुछ रेकी का भी इशू होता है, लेकिन उसके बाद जब मैंने आपको वीडियो भी आपसे शेयर की है जो फैसल भाई ने रेड की और एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त मैं यहाँ में बल्दिया पुलिस की देख रहा हूँ। मैं बार बार ये बात इस वजह कह रहा हूँ कि हमारे पास पहले भी इसकी इन्फॉर्मेशन होती थी, हम शेयर भी करते थे, लेकिन हमें कोई ऐसा ख़ास रिस्पांस नहीं मिलता था और बस कहते ना खाना पूरी हो जाती थी। लेकिन अभी ज़िला अगर मैं किमाड़ी में देखूँ और ख़ासतौर पर अगर मैं बल्दिया में देख रहा हूँ तो बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। फैसल भाई, 2 महीने के अरसे में क्या क्या काम आप लोगों ने करे हैं अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पास सबसे बड़ा मीनस था ये काउंटरफीट ऑयल का और मैं बहुत कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा हूँ कि ये ज़ीरो हो गया। कितने कारखाने बंद कराए आप लोगों ने? जी 14 कारखाने थे जो भरने वाले थे और 2 फैक्ट्रीज बड़ी थी जो कि ये पैकिंग मटेरियल बॉटल्स वगैरह बनाया करती थी। और गुटके का कितना आप लोगों ने? गुटके के अभी तक हमने 35 लोगों को बंद किया है इस वक्त। बहुत कॉन्फिडेंटली कि बल्दिया पुलिस की हदूद में कोई गुटके का कारखाना नहीं है। अब सिर्फ ये हैं कि जो लोग चलते फिरते कुछ बेचते हैं उनको हम पकड़। अच्छा फैसल भाई, ज़ाहिर है जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तो एक माफिया जिसे हम सहाफ़ी नहीं कहेंगे, मतलब वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग कर रहे होते हैं, किसी इदारे से उनका ताल्लुक नहीं होता, वो भी बहुत कुछ लिख रहे होते हैं बारे में आपके कि जी फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है। 18,000 बोतलें तो आपने पकड़ ली, अब क्या चाह रहे हैं, क्या करें? अब ये हो रहा है कि हम चल रहे हैं वाटर फ्लो के ऑपोजिट,
तो जब तक हम में एनर्जी है और हमारी कमांड की तरफ से हमें एनर्जी हासिल है, हम इसमें तैरते रहेंगे इंशाल्लाह पानी के बहाव के ऑपोजिट। क्योंकि मैं बात में इस वजह से कह रहा हूँ कि बहुत से लोग उल्टा सीधा भी लिख रहे होते हैं, सो कॉल्ड जो ब्लैकमेलर्स होते हैं वो ये बातें लिख रहे होते हैं जी फलाना हो रहा है ढिमकाना हो रहा है, लेकिन मैंने अब तक बल्दिया की हदूद में, बल्दिया की तारीख में, मुझे को 14-15 साल हो गए हैं क्राइम शो करते हुए, पूरे पाकिस्तान में हमने किए हैं, लेकिन मैंने अब तक बल्दिया में ऐसा काम नहीं देखा। इससे पहले भी ये काम चल रहा था यहाँ पर, अब मैं नहीं बताऊँगा या नहीं इस पर बात करना चाह रहा कि किसके आशीर्वाद से चल रहा था, कौन सपोर्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर SHO बल्दिया, SSP किमाड़ी, इन लोगों की एक बड़ी एफर्ट है। तो जितने भी देखने वाले लोग हैं उन्हें चाहिए इन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें, ना कि ऐसे लोगों की बातों में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके नतीजे में इस माफिया ने पुलिस पर दबाव डालने के लिए मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी दी, लेकिन याद रखिएगा सच सच होता है और झूठ झूठ, जिसका पता खुद ही लग जाता है।